जब मैं छोटी थी तो मुझे ये सीन अच्छे से याद है। बाऊजी को ये ट्रॉफी बाऊजी के हार्डवर्क के लिए मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये उस समय की तस्वीर है 54 नंबर की, जब हमने हमारा सपनों का महल बनाया था, जिसमें दादाजी, चाचा जी, बाऊजी, चाची, मम्मी, पप्पू सब लोग मौजूद थे। आते थे रात को, हम लोग पतंग के कन्ने बांधते थे, सब लोग मिलजुल के वहाँ पर गुजराती खाना और सब लोग मजे करते थे। छत पे, हमारी छत बहुत पॉपुलर थी उस समय, छत के ऊपर सारे अग्रवाल मारवाड़ी फैमिली आ जाती थी और बहुत मजे करते थे। इसमें मैंने है ना टीनू को बहुत पतंग सिखाई है, टीनू की फिरकी लिए लिए घूमती रहती थी। और आज भी बाऊजी को यही है कि हर फेस्टिवल भाई बहनों को इकट्ठा करके और है ना खूब फेस्टिवल धूमधाम से मनाते थे। पहले दिन पतंग ला के, कन्नी लगा के सब रेडी रखते थे और सुबह 7 बजे टीनू, बाऊजी सब छत पे चले जाते थे। मेरा फेस्टिवल 1 महीने पहले शुरू हो जाता था। यस। ये बाऊजी को मनीषा और चिंकी से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये फोटो हमारी जींद की फोटो है, जब दीदी की शादी की तैयारियां हो रही थी, हम लोग सब बच्चे 10 दिन पहले चले गए थे जींद, तो जींद में खूब धमाल मस्ती की थी चाची के घर पे। चाचा जी चाची जी के साथ बहुत अच्छा लगा था। लोग मसूरी जा रहे थे और हमारी बस वहाँ पर गड्ढे में गिर गई थी, तो वो अभी भी अच्छे से याद है। उसमें गिगू, मनीषा, दादाजी, बाबा जी, वो जैसे ही कुछ खरीदने आते तो बाबा जी एकदम गिगू के ऊपर, मनीषा के ऊपर चढ़ के आते कि क्या खरीदना है, और पप्पू को कुछ भी खरीदना आता तो हाँ अरे इधर आ भाई तू इसको दे। ये मसूरी की हमारी बहुत बहुत अच्छी मेमोरी है। ये दीदी का जन्म स्थान नारनौंद की फोटो है, वहाँ पर हनुमान जी की मंदिर की पूजा की थी। मेरी बहन, दोनों बहनें और मेरे दोनों जीजा जी के खूब खूब बढ़िया फोटो। और इस फोटो में मनीषा बड़ी शांत सी नजर आ रही है और दीदी शर्मा रही है, जैसे कि मुकेश जिया जी और मनीषा की उस टाइम सगाई हुई थी, तो ये विमल जिया जी और मुकेश जिया जी एकदम एक जैसे से लग रहे हैं। इसमें बाऊजी ट्रंक कॉल लगा के हिसार बात कर रहे हैं मामी जी के साथ, और लग रहा है कि जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हो। बाऊजी को हमें घुमाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। एवरी संडे हमें कहीं ना कहीं लेके ही जाते थे, कभी डुमस, कभी उबराट। डुमस पे हमें बहुत शॉपिंग भी कराते थे इम्पोर्टेड सामान का, दमन भी एवरी संडे ले जाते और शॉपिंग कराते, इम्पोर्टेड ड्रेस दिलाते, मुझे पिंस दिलाते, वो आज मुझे सब याद है। और ये मसूरी में हमें ले गए थे घुमाने, तो मसूरी में खूब घूमे, खूब एंजॉय किया। मुझे समोसे का बहुत शौक था, मुझे खूब समोसे खिलाए, ट्राम में बिठाया हम, और टीनू को, टीनू बहुत छोटा था तो टीनू की मैं उंगली पकड़ पकड़ के लेके जाती थी हर जगह। तो बाऊजी की ये मेमोरी हमें बहुत ही अच्छी लगी थी। मैं और मेरी प्यारी माँ, हम दोनों का लाड, मेरी माँ मेरा ध्यान बहुत रखती, थैंक यू। ये सौरभ के बर्थडे की फोटो है, इसमें बाऊजी ने खूब पेपुड़ी बजाई थी। दिवांशी की बर्थडे की फोटो है, मामा जी साथ में है, शैला के मामा है। बाऊजी इसमें बड़े एकदम चार्मिंग लग रहे हैं, मतलब फेस एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा दिया है बाऊजी ने। ये मेरे चाचा चाची की शादी की है, मेरी चाची इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। और आज भी मुझे वो सीन याद है। बाऊजी बड़ा खाना बड़ा मस्त होके खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, बहुत खुश होते हैं, खिला के बहुत खुश होते हैं। फूलों का, तारों का, सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, मन हमें संग रहना है। छोटी थी तो कोई फ्रेंड मुझे थोड़ा सा भी कुछ मारती थी तो पप्पू जाके मेरा बदला लेके आता था और बोलता था मेरी दीदी को क्यों मारा, तब मैं पप्पू के गले लग जाती थी। चाचा जी की मुझे
खूब अच्छे से मेमोरी याद है। चाचा जी एक तो हिम्मत वाले बहुत थे, डेयरिंग खूब रखते थे, हर कोई काम में डर तो था ही नहीं उनको किसी बात का, बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी बात पे। चाचा जी का एक खास बात मुझे ध्यान में है कि वो हम एसआर में जाते थे तो बड़े से बड़ा साहब होता था तो उनको अपनी भाषा में अपनी काम को समझाने में बड़ा इजी लगता था और कॉन्फिडेंटली उनको समझा पाते थे, चाहे गलती हो तो भी उनको बड़ा अच्छे से समझा देते थे कि नहीं यही सही है। और चाचा जी हमें बहुत याद आते हैं कि हम दोनों की उड़ान देख रहे हैं और हम दोनों पतंग उड़ा रहे हैं तो बाबूजी बड़े खुश हो रहे हैं। मुझे बड़ा मजा आता था पतंग उड़ाने में, सुबह 7 बजे चढ़ जाता था और पतंग ऐसे लगता था बाबूजी ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जैसे किसी की काट रहा होती। 15 नंबर में हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरा, टीनू का, मनीषा का, हमारा सबका बचपन वहीं बीता है और हमने खूब एंजॉय किया वहाँ पर। सौरभ सिद्धार्थ भी, मेरी शादी भी वहीं हुई थी, बच्चे भी चाची जी के साथ भी बहुत टाइम अच्छा स्पेंड किया, बाबूजी के साथ तो खूब ही एंजॉय किया हमने। और जब टीनू हुआ तो मैं स्कूल से आई तो बड़ी चाची बोली तेरे भाई हुआ है, तो मैं बैग नीचे रख के सीधा वहीं से हॉस्पिटल चली गई थी मेरे भाई से मिलने। मनीषा हुई थी तब भी वो भी टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद है। सब बच्चे हम वहाँ बहुत एंजॉय करते थे, मेरा और पप्पू का बचपन बहुत ही अच्छे से निकला। 15 नंबर एक अराइवल पॉइंट था सर, जो भी कैथल से या दादरी से, चरखी दादरी से आते थे तो सारे पहले 15 नंबर में आते थे। चाचा जी की भी शादी हुई वहाँ दिल्ली में तो पहले 15 नंबर में आए, वहाँ पे कुछ समय बिताया उन्होंने और 15 नंबर की बहुत सी यादें हमारे दिमाग में आज भी बसती है। मेरा बर्थडे बाबूजी हमेशा सेलिब्रेट करते और जितना भी मैं शौक से बर्थडे में खर्चा करना चाहता कभी मना नहीं किया उन्होंने, खूब साथ में भी बर्थडे में एंजॉय किया और हमारे, मेरे को और मेरे दोस्तों को भी बहुत एंजॉय करवाया बर्थडे में, थैंक यू। ये मुझे मेमोरी बड़े अच्छे से याद है, हम लोग 4 धाम की यात्रा पे गए थे, मैं, बाबूजी, शैलजा और दीवान सिंह। उमंग उस टाइम कोटा पढ़ने गया था और हम लोगों ने जब यहाँ से 4 धाम की यात्रा का पक्का किया तो बड़ौदा गए, बड़ौदा की फ्लाइट मिस हो गई, फिर दूसरी फ्लाइट लेके फिर हम अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से फिर फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से 4 धाम की यात्रा शुरू की। तो 4 धाम की जैसी यात्रा शुरू की तो बाबूजी बड़े हर बात में नाराज हो जाते कि ये कहाँ ले आया, उनको एक तो डर लगता था और फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया बाद में कि हाँ नहीं अच्छा लगा और 4 धाम की यात्रा हमने बाबूजी के संग बड़े अच्छे से मजा किया, मतलब अच्छा लगा, थैंक यू। बाबूजी अपनी प्यारी गुड़िया देवांशी के साथ कश्मीर की फोटो है, वो अपने हाउस बोट में रुके थे, दूसरे दिन नाराज होके भागे थे कि भाई मेरे को हाउस बोट में नहीं रुकना, मुझे बाहर निकालो। बोले यो कटहल आके पटक दिया मैंने, यो तो नोट, मैं तो बोनी रहा हूँ, मैंने तू बाहर ले चल। दूसरे दिन सुबह सुबह अपना बैग लेके बोट में बैठ के बाहर निकल आए थे, बोले मेरे को यहाँ नहीं रहना। सारे चाची जी भी अपने बोट वो लेके आ गई कि बोले मेरे को भी इस बोट में, हाउस बोट में नहीं रहना। ये फोटो अपने सारे बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ, आँख के तारों के साथ, ये कश्मीर की हसीन यादें। जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये बाबूजी की सारी लाडली बेटियां और बहुएं। बाबूजी गांव नारनौंद से निकल के कलकत्ता गए, कलकत्ता से फिर सूरत में जब फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुए तो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना काफ़ी नाम किया सूरत में और हमेशा जब भी वापस जाते गांव नारनौंद जाते तो किसी ना किसी को लेके आते और सूरत में सेट करते। चाचा जी को लेके आए और फिर प्रमोद, महेंद्र, रामोतार सबको यहाँ पर लाके उनको सेट करना, उनको काम करवाना, ये उनका एक पैशन था।
वो चाहते भी थे हमेशा कि मेरे बच्चे सारे सूरत में अच्छे से सेट हो जाए, वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के हमेशा सूरत में रहे, डटे रहे, ताकि सूरत में आने जाने वालों को उनको एक सबको एक सहारा लगता था बाबूजी, कि बाबूजी है तो हम लोग जा सकते हैं उनके पास और हमको ये ठिकाना तो है ही है। तो उनको भी बड़ा प्राउड फील होता था और आने वाले को भी बड़ा कंफर्ट फील होता था। तो ये बड़ी अच्छी उनकी हमेशा से तारीफ काबिल। मम्मी ने भी सबका बहुत खाना बना के सबको बहुत ज़्यादा सबकी मतलब सबको बहुत खाना खिलाया, सबको घर में रखा, सबको बड़े प्यार से रखा। और बाबूजी जो भी चीज़ को मैं कहती कि मुझे ये चाहिए, बाबूजी तुरंत वो मुझे दिलाते थे। बाबूजी ने हमेशा हम बच्चों को बहुत लाड़ किया, मनीषा, गिगू, पप्पू, टीनू, मैं सब बहुत लाडले थे बाबूजी के, चिंकी, सौरू, सब बहुत ही लाडले बच्चे थे हम। मुझे आज भी याद है जो हमारा वेकेशन होता था तो जितने भी बच्चे थे वो 15 नंबर में आके बड़े खुश होते थे। वो 15 नंबर में आके छत पे गद्दे लगा के, समर वेकेशन तो छत पे गद्दे लगा के आइसक्रीम, डोसा, ये सब आइटम बनती थी और खूब 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 मजे करते थे।